इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा दी अकोर्स्ड मूवी की, जो पिछले महीने ही रिलीज हुई है। ये मूवी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है क्योंकि इस मूवी में बहुत सी चीज़ों को ठीक तरह से क्लेरिफाई नहीं किया गया है, पर मैं फिर भी ट्राई करूंगा कि ये मूवी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो मूवी की शुरुआत में हमें ऐसे गिफ्टेड पीपल के बारे में बताया जाता है जिनका यूरोप के बाल्कन माउंटेन्स में प्रतिभाशाली महिलाओं द्वारा नेतृत्व किया गया था। हालांकि स्ट्रांग मैजिक माना था, पर कुछ ने डेथ मैजिक सीखी और उनकी शक्तियाँ धीरे धीरे खतरनाक हो गई। तो उत्पीड़न से बचने के लिए वो सभी अमेरिका आ गए। वहाँ सभी शांति से रहने लगे, बस हाना, नायदा और आयशे को छोड़कर। अब आगे सेरेमनी में सभी लोग हाना को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि आज हाना और निकोला की शादी होने वाली थी। आयशे भी उसे ढूंढ रही होती है, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। तभी उसे सामने हाना की बहन नायदा अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई दिखती है। आयशे उसे इग्नोर कर देती है और चलते चलते पास के स्टोर रूम में आ जाती है, जहाँ उसका हस्बैंड थॉमस और हाना एक साथ होते हैं। थॉमस आयशे को समझाने लगता है, पर जैसे ही आयशे उसे गुस्सा में धक्का देती है, थॉमस का सर दीवार में लगी एक कील से टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। आयशे हाना का गला घुटते हुए कहती है कि ये सब उसी की गलती है, और वो हाना के बालों से उसका हेयरपिन निकालकर उसे मारने की कोशिश करने लगती है। साथ ही वो उसे अबॉलिशमेंट कर्ज भी देने लगती है, पर हाना जोर लगाकर आयशे के फाइनल वर्ड्स बोलने से पहले ही हेयरपिन को उसकी आंख में डाल देती है, जिससे कि आयशे की भी वही मौत हो जाती है। उसी समय नायदा वहाँ आ जाती है और उसने आयशे को अबॉलिशमेंट कर्ज बोलते हुए सुन लिया था। वो हाना से पूछती है कि क्या आयशे ने अबॉलिशमेंट कर्ज के फाइनल वर्ड्स को पूरा बोला था, पर हाना की आंखों के सामने उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसका हस्बैंड मरे पड़े हुए थे, तो वो बहुत ज्यादा डर गई थी। नायदा कहती है कि आयशी एबॉलिशमेंट कर से फाइनल वर्ड्स को पूरा कर लेगी जब उसकी स्पिरिट उसकी बॉडी से बाहर आएगी। तो वो पास में रखे कतन को लेकर आती है और हाना का हाथ पकड़कर कहती है कि उन्हें इस हाथ की बलि देनी होगी, क्योंकि जो हाथ जीवन लेता है वो हाथ खुद में एक जीवन धारण कर लेता है। इसलिए अगर वो हाना का हाथ आयशी के बॉडी के साथ दफना देंगे तो वो हमेशा के लिए उसकी आत्मा को रोक सकते हैं। और ये कहकर नायदा हाना का हाथ काट देती है। बाद में वो थॉमस और आयशे को दफना देते हैं, और नायदा आयशे को दफनाने से पहले उसके मुंह में हाना का हाथ रख देती है ताकि उसकी आत्मा कभी भी बाहर ना आ सके और ना ही अबॉलिशमेंट कर्ज को पूरा कर सके। और वो हाना से प्रॉमिस करने को कहती है कि वो कभी भी किसी को भी इस जमीन पर आने ना दे और हमेशा यहाँ रहकर इस बात का ध्यान रखे कि कोई भी आयशे की बॉडी को ना ढूंढ पाए, अदरवाइज आयशे की आत्मा रिलीज हो जाएगी और वो अबॉलिशमेंट कर्ज को पूरा कर लेगी। अबॉलिशमेंट कर्ज एक ऐसा कर्ज है जिसे ईस्टर्न यूरोपियन के बाल्कन माउंटेन्स में रहने वाले गिफ्टेड पीपल ने बनाया था, पर बहुत पहले उन्हीं गिफ्टेड पीपल ने इस कर्ज को वर्जित कर दिया क्योंकि ये अबॉलिशमेंट कर्ज केवल बदला लेने के लिए बनाया गया था, इसलिए उन्होंने इसका कोई भी लिखित रिकॉर्ड नहीं रखा। एक बार अबॉलिशमेंट कर्ज दे देने के बाद उसे हटाया नहीं जा सकता, और ऐसा कहा जाता है कि इस कर्ज को केवल वही व्यक्ति हटा सकता है जिसके द्वारा ये किया गया है। आयशे और थॉमस सेरेमनी के बाद सबके लिए गायब हो जाते हैं, और 5 महीने बाद पुलिस भी उन दोनों के मिसिंग केस को बंद कर देती है क्योंकि उन्हें उनके गायब होने के कोई भी सबूत नहीं मिलते। अब इस बात को 22 साल हो चुके हैं। हैना के बेटे पीटर की शादी सनी से हो रही है, और नायदा की भी एक बेटी हो गई है जिसका नाम जारा है। सेरेमनी में कुछ ही लोग आए हुए थे, जिनमें से पीटर का कजन डैनी भी अपने भाई मार्टिज के साथ आया हुआ था। शादी के बाद सभी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी नायदा वहां आकर सनी के पैरों में थूक देती है। नायदा इस शादी से खुश नहीं थी, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि इस जमीन पर परिवार के अलावा और कोई भी आए, जहां उनका इतना बड़ा राज छिपा हुआ है। फिर थोड़ी देर वो गाना गाते हैं, इंजॉय करते हैं, और तभी सनी की नज़र उन फायर थ्रोन्स पर पड़ती है। तो पीटर उसे बताता है कि ये कांटेदार झाड़ियाँ उनके परिवार को सालों से प्रोटेक्ट करती आ रही हैं। सालों पहले कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद सिर्फ उनकी फैमिली ही बिना चोट खाए इन फायर थ्रोन्स को क्रॉस कर सकती है, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति इनके पास भी आने की कोशिश करेगा तो ये लताएं उसे जकड़ लेगी और निकल जाएगी। उसी समय घर पर नायदा हाना पर चिल्ला रही होती है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो किसी को भी इस जमीन पर आने नहीं देगी। नायदा हाना से कहती है कि समय के साथ वो केयरलेस हो गई है और अब उसे यहीं रुकना होगा फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये कहकर नायदा वहां से चली जाती है। नायदा के जाने के तुरंत बाद हाना दरवाजे पर फूल लटका देती है और फ्लोर पर कुछ मंत्र कहकर एक लाइन खींच देती है ताकि जो कोई भी घर के अंदर आए उनके बुरे इंटेंशंस खत्म हो जाए। बाहर सनी चालाकी से पीटर को ड्रिंक लाने के लिए भेज देती है और जानबूझकर अपना पैर उन फायर थ्रोन्स के पास ले जाती है, जिससे कि वो लताएं उसके पैर को जोर से जकड़ लेते हैं। अब सनी ऐसा क्यों कर रही थी ये हमें आगे पता चलेगा। वो पीटर को आवाज देती है और सनी को इस हालत में देखकर वो जल्दी से आता है और एक लता पकड़कर कुछ मंत्र कहता है, जिसका मतलब होता है मैं परिवार हूँ, मुझे जाने दो। और ये कहते ही वो लताएं सनी का पैर छोड़ देती है। सनी के पैर से खून निकल रहा था तो पीटर हाना को बुलाने चला जाता है। दरअसल ये सनी की एक चाल थी खुद के पैर उन फायर थ्रोन्स में डालने की, ताकि वो पीटर को उस मंत्र को कहते हुए सुन सके। हाना वहां आकर सनी के चोट लगी जगह को पानी से साफ कर देती है और उन्हें अंदर भेज देती है। और थोड़ी देर बाद हाना किचन में आकर जड़ी बूटियां तैयार करने लगती है, जिसमें वो बाल्कन माउंटेन्स का शुद्ध पानी, कुछ जड़े जो घाव को बहुत जल्दी ठीक कर देते हैं, और कुछ अंडों के छिलके मिला देती है।
हाना जाकर बेड के नीचे उस जड़ी बूटी को रख देती है और सनी से कहती है कि इससे वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। कुछ घंटों के बाद सेरेमनी खत्म हो चुकी थी और सभी लोग लगभग जा चुके थे। हाना सोफे में बैठकर एक फूल को देख रही होती है जिसे बचपन में पीटर ने उसे दिया था। तभी वहाँ पीटर आ जाता है और उस फूल को देखकर कहता है कि उसे वो दिन अच्छे से याद है, वो शायद 4 साल का था। आगे इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि हाना पीटर को बचपन से होम स्कूलिंग करवाती आ रही है ताकि वो उसे और फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। पीटर भी सभी बातों को अच्छे से समझता था, इसलिए वो हाना से कुछ नहीं कहता और अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद हाना उनके कमरे के बाहर आकर चुपके से उनकी बातें सुनने लगती है, जहां उसे पता चलता है कि सनी ने ही पीटर को फोर्स किया था इस जगह पर शादी करने के लिए, और वो पीटर से हाना के कटे हुए हाथ के बारे में भी पूछ रही होती है। उसी समय वहां माटे जाकर अचानक से हाना के पीछे खड़ा हो जाता है जो कि पूरे नशे में था। हाना उसे बिना शोर किए वहां से ले जाती है और माटेज ने इतनी ज्यादा पी ली थी कि वो सोफे में ही सो जाता है। हाना निकोला के कमरे में आकर उसे माटेज को घर पहुंचा देने को कहती है, पर निकोला कहता है कि वो अपना काम खत्म करने के बाद उसे घर छोड़ देगा। निकोला को आयशे के कर्ज के बारे में हाना ने पहले ही बता दिया था और तब से निकोला इस अबॉलिशमेंट कर्ज को खत्म करने के उपाय ढूंढ रहा है। हाना निकोला से पूछने लगती है कि उसे ये थोड़ा सा अजीब नहीं लगता कि सनी की तरफ से आज कोई भी नहीं आया था। तो निकोला कहता है कि पीटर ने उसे बताया था कि सनी की पेरेंट्स की मौत हो गई थी वो जब बहुत छोटी थी, पर फिर भी हाना को सनी के ऊपर थोड़ा सा डाउट था क्योंकि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। आगे हाना आयशे के ग्रेव के पास आ जाती है और उन लताओं में चलकर अपना खून देने लगती है ताकि आयशे की आत्मा अंदर बनी रहे और फायर थ्रोन्स और ज्यादा स्ट्रांग हो सके। उसके पास वो लॉकेट भी थी जिसे उसने उस दिन आयशे के गले से खींच लिया था, जिसमें उसकी और आयशे की एक फोटो थी। फिर वो वापस घर चली जाती है और उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही वहाँ कोई आता है और उस मंत्र को बोलने के बाद आयशे की खोपड़ी से हाना का रखा हुआ हाथ हटा देता है, जिससे कि अब आयशे की आत्मा बाहर आ जाती है। और उसी समय पीटर भी अपने बिस्तर में बेचैन होने लगता है और अगले ही सेकंड वो खुद को बाहर लेटा हुआ पाता है। तभी माटेज को किसी के खुसफुसाने की आवाज आती है तो वो देखने के लिए बाहर जाता है, जहां हम साफ देख पाते हैं कि आयशे की आत्मा उसके ग्रेव से बाहर निकल चुकी थी। और जैसे ही माटेज उसे देखने के लिए सामने जाता है, उस पर पीछे से हमला हो जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। घर पर हाना अपने पैरों पर जड़ी बूटियां लगाकर कुछ मंत्र कहने लगती है जिससे उसके घाव तुरंत ठीक हो जाते हैं। बाहर पीटर भी उठकर घर जा रहा होता है तो उसे सनी दरवाजा खोलकर घर में जाती हुई दिखती है और वो भी किसी कारण बाहर घूम रही थी। वो दोनों जाकर सो जाते हैं और हाना ये सब दरवाजे के पीछे से देख रही थी। अगली सुबह हाना जब किचन में खाना बना रही होती है तो वो देखती है कि उसके खींचे गए प्रोटेक्टिव लाइन को किसी ने मिटा दिए थे और वो फूल भी नीचे गिरे हुए थे। तभी वहाँ पीटर आ जाता है तो वो सभी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। हाना जारा को इशारा करने लगती है कि वो सनी के बारे में कुछ पता करे, तो जारा सनी के पास आकर उसका हाथ देखने लगती है और कहती है कि फैमिली में वो कोई भी सीक्रेट नहीं रखते, और क्योंकि जारा नायदा की बेटी थी तो उसके पास भी कुछ ऐसे पावर्स थे कि वो लोगों को छूकर उनके बारे में जान सकती थी। वो जब सनी का हाथ देखने लगती है तो उसके हाथ थोड़े से कटे हुए थे और जारा उसके बारे में सब कुछ जान न ले, इसलिए सनी कुछ बहाना करके वहां से चली जाती है। पीटर ये सब देखकर थोड़ा सा गुस्सा हो गया था तो हाना उसे सनी को मनाने के लिए भेज देती है और जारा से पूछने लगती है कि उसने क्या देखा। तो जारा कहती है कि उसे कुछ ठीक से पता नहीं चला, उसे कुछ और समय चाहिए था तभी जाकर वो उसके बारे में ठीक से पता कर पाती। जारा बस इतना देख पाई थी कि सनी प्रेग्नेंट थी और ये सुनकर हाना और ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो जल्द से जल्द पीटर और सनी को इस जमीन से दूर भेजना चाहती थी। उसके बाद जारा पास के एक लोकल लड़के से मिलने के लिए आ जाती है और जैसे ही वो उस घर के बारे में बातें करने लगता है कि वो पुराना विच हाउस है तो जारा गुस्से में उस पर मधुमक्खियां छोड़ देती है। तभी नायदा वहां आकर उस लड़के से मधुमक्खियां हटाकर उसे वहां से जाने को कहती है। उसके जाने के बाद नायदा जारा को वापस उनके शॉप में जाने के लिए कहती है जहां वो उनके जादुई बुक, जड़ी बूटियां और बाकी की चीजों को रखते थे क्योंकि नायदा को इस जमीन से कुछ नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी। यहाँ हाना जब आयशा के ग्रेव के पास आकर जैसे ही कहती है मैं परिवार हूँ मुझे जाने दो, तो वो मंत्र काम नहीं कर रहा था। और हाना जब ध्यान से देखती है तो आयशा की खोपड़ी ऊपर आ गई थी और उसका हाथ उसके मुंह पर नहीं था। हाना अपने हाथ को आसपास ढूंढने लगती है तभी नायदा आकर उससे कहती है कि उसने प्रॉमिस तोड़ दिया और बाहर के लोगों को इस जमीन पर आने दिया तो अब उसे इन सबसे खुद ही निपटना होगा, और ये कहकर नायदा वहां से चली जाती है। घर पर निकोला अपने टाइपराइटर पर कुछ नोट्स लिख रहा होता है। उसी समय पीटर वहां आ जाता है और निकोला से पूछने लगता है कि वो इन दिनों कौन सी बुक पर काम कर रहा है। तो निकोला कहता है कि वो एक पर्सनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है उनके खुद के फैमिली पर। और बातों बातों में पीटर ये जान जाता है कि निकोला उनके रियल फादर नहीं थे, तो वो निकोला से कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। बाहर नायदा जा रही होती है तभी वो अपने पीछे से कुछ आवाजें सुनती है और जैसे ही घूमकर देखती है उस पर कोई हमला करके उसे मार डालता है। सनी पौधों के पास खड़ी हुई थी और वो पीटर को घर में जाते हुए देख उसे आवाज देने लगती है, पर पीटर बिना सुने अंदर चला जाता है। हाना भी निकोला को सब कुछ बताने के लिए घर की ओर जा रही होती है तभी वहां डैनी आकर उससे माटेज के बारे में पूछने लगता है, पर हाना इतनी जल्दी में थी कि वो डैनी से कुछ भी नहीं कहती और सीधा घर की ओर भागने लगती है। पीटर निकोला के कमरे में आ गया था पर निकोला इस समय वहां नहीं था।
पीटर टेबल पर रखे कुछ पेपर्स को देखने लगता है जिसमें वो उनके फैमिली पर लगे अबॉलिशमेंट कर्स के बारे में जान जाता है और साथ ही सालों पहले इस जमीन पर मिसिंग कपल के बारे में भी पढ़ लेता है। पीटर उन पेपर्स को देख ही रहा होता है कि तभी अचानक आयशा की आत्मा उसके सामने आ जाती है और जैसे ही हाना वहां आती है वो गायब हो जाती है। हाना अपने हाथों में फूल की कुछ पत्तियों को फूंक कर एक मंत्र को कहती है जो खिड़की के पास आकर गिर जाते हैं। हाना जब खिड़की के बाहर देखती है तो सनी और आयशे की आत्मा एक साथ बात कर रहे होते हैं। अब इससे हाना कंफर्म हो जाते हैं कि सनी का आयशे के साथ कुछ न कुछ कनेक्शन तो था, इसलिए वो सनी के कमरे में जाकर उसका स्कार्फ ले आती है और किचन में आकर दो तीन जड़ी बूटियां मिलाकर उसमें उसका स्कार्फ डाल देती है। और जैसे ही जड़ी बूटियां उबलने लगती है हाना सनी का स्कार्फ निकालकर अपनी आंखों से लगा लेती है जिससे उसे सनी के पास्ट के कुछ विजन आने लगते हैं जिसमें वो उसकी आंटी गलीना से पूछ रही होती है कि अगर उसे आयशे का लाइफ ब्लड मिल गया है तो वो उसकी आत्मा को क्यों नहीं बुला सकते। तो गलीना कहती है कि उसने बहुत ट्राई किया पर उसे बस आयशे के कुछ इमेजेस ही दिखाई दिए। उन्होंने उसकी आत्मा को बहुत ही पावरफुल मंत्र और फायर थ्रोन से बांध कर रखा है ताकि आयशे की आत्मा कभी भी बाहर ना आ सके। तो सनी कहती है कि वो सभी भी तो पावरफुल एंड गिफ्टेड पीपल हैं, तो वो अब आयशे की आत्मा को फ्री क्यों नहीं कर सकते। तो गलीना उसे समझाती है कि वो हमेशा सभी पर नजर रखे हुए हैं, वो कभी भी दूसरे लोगों को उस जमीन पर आने नहीं देंगे, इसलिए उसे अनजान बनकर उनके बीच जाना होगा और उसका नाम अब से लैला नहीं बल्कि सनी होगा। और गलीना उसे एक नाम बताती है और कहती है कि यही उसे फैमिली में जाने में मदद करेगा और उन फायर थ्रोन्स को क्रॉस करके आयशा के ग्रेव तक जाने में भी। इसलिए सनी ने सबसे पहले पीटर को फंसाया था ताकि वो उस मंत्र को जान सके और आयशा की आत्मा को फ्री कर सके। अब हाना सनी के बारे में सब कुछ जान गई थी तो वो निकोला के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है और कहती है कि ये सब सनी ने किया, उसी ने आयशा की आत्मा को बाहर निकाला, दरअसल वो उसकी बहन है। और ये सब सुनने के बाद निकोला निराश हो जाता है और कहता है कि उसने बहुत कोशिश की, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत रिसर्च किया पर उसे इस कर्ज को खत्म करने का कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिला। तभी हाना कहती है कि अगर वो अपनी आत्मा को आयशा की आत्मा के साथ जोड़ दे तो शायद इस कर्ज को तोड़ा जा सकता है। पर निकोला कहता है कि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है और उन्हें ये ठीक से पता भी नहीं है कि ये तरीका काम करेगा या नहीं। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि हाना की नज़र खिड़की पर जाती है जहाँ से पीटर उनकी सारी बातें सुन रहा था। हाना उसके पीछे जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन पीटर उसकी कोई बात नहीं सुनता और अपने कमरे में आ जाता है। यहाँ ज़ारा शॉप में नायदा का वेट करते करते थक चुकी थी और डैनी भी अपने भाई मार्टिज को ढूंढने के लिए उनके घर तक आ गया था, लेकिन तभी उस पर पीछे से कोई हमला कर देता है और उसे मार डालता है। उसी समय घर के अंदर हाना आयशा की आत्मा को बुलाने लगती है और जैसे ही वो सामने आती है हाना उससे कहती है कि वो उसे मार दे पर पीटर को जाने दे, पर आयशा हाना का हाथ पकड़कर उसमें लिख देती है नो मर्सी और गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद निकोला वहां आकर हाना से कहता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, इस कर्ज को किसी भी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। तभी हाना कुछ सोचने लगती है और कहती है कि वो इस कर्ज को खत्म नहीं कर सकते पर सनी कर सकती है। आयशा ने नहीं सोचा होगा कि उसकी बहन भी इस फैमिली का पार्ट बन जाएगी, तो सिर्फ सनी ही आयशा के दिए हुए कर्ज को वापस ले सकती है, नहीं तो वो और उसका होने वाला बच्चा भी मारे जाएंगे। तो हाना निकोला से कहती है कि वो जारा और नायदा को लेकर आए, उन्हें उनकी जरूरत पड़ेगी। और यहाँ बाहर सनी अकेली खड़ी होती है तभी पीटर आकर उसके हाथों को जैसे ही पकड़ता है उन दोनों के हाथों में खून आने लगता है। सनी वॉश बेसिन में खून साफ करने के लिए चली जाती है और पीटर को बाथरूम भेज देती है, लेकिन पीटर के हाथों से खून निकल ही नहीं रहा था। और तभी आयशा की आत्मा पीछे से उसके कानों में कहती है ये कभी भी साफ नहीं होगा। तो पीटर डर के बाहर आ जाता है और हाना को वो पेपर का टुकड़ा दिखाकर पूछता है कि आयशा की डेथ से क्या उनका कुछ लेना देना है, और उसने निकोला के नोट्स में एक फॉरबिडन कर्ज के बारे में पढ़ा था, तो क्या उसी ने उनकी फैमिली को ये कर्ज दिया है। ये सारी बातें सनी दरवाजे के पीछे से सुन रही होती है और निकोला भी गाड़ी की चाबी लेकर जा रहा होता है पर वो भी दरवाजे के पीछे छिप गया था। हाना पीटर से कहती है कि सालों पहले उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी जिस कारण आयशा ने उसके परिवार पर अबॉलिशमेंट कर्ज दे दिया था, एक ऐसा कर्ज जिसमें परिवार का पूरा ब्लड लाइन खत्म हो जाएगा, और वो सनी थी जिसने आयशा की आत्मा को फ्री कर दिया था, लेकिन अब सिर्फ वही है जो उन्हें आयशा के इस कर्ज से निकाल सकती है। सनी ये सुनकर वहां से रोते हुए चली जाती है और पीटर हाना पर गुस्सा करने लगता है कि उसने इन सब में सनी को आने दिया। वो हाना को धक्का देकर सोफे में गिरा देता है और ये देखने के बाद निकोला बाहर आकर पीटर को समझाने लगता है, पर पीटर गुस्से में उससे कहता है कि वो उसके पिता नहीं है तो वो इस मामले से दूर ही रहे, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। सनी खिड़की के पास खड़ी होकर आयशा से रोते हुए कह रही होती है कि आंटी गलीना ने अबॉलिशमेंट कर्ज के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, नहीं तो वो यहाँ आती भी नहीं, वो तो बस उसे फ्री करना चाहती थी। तभी हाना आकर सनी से कहती है कि वो खुद के और उसके होने वाले बच्चे के लिए आयशा को कन्विंस करे कि वो अबॉलिशमेंट कर्ज को वापस ले ले इससे पहले कि उसके हाथों में खून आना शुरू हो जाए और आयशा का कर्ज और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। पर उसके हाथों में ऑलरेडी खून आना शुरू हो गया था, और ये देखने के बाद हाना दौड़कर आयशा के ग्रेव के पास आ जाती है और उसकी खोपड़ी को दफनाने लगती है। पर तभी आयशा की आत्मा फायर थ्रोन से बाहर निकलकर उस पर हमला कर देती है। यहाँ शॉप में जारा को कुछ अजीब सा फील होने लगता है और तभी अचानक से उस पर कोई पीछे से हमला कर देता है और उसे मार डालता है। थोड़ी देर बाद जब निकोला वहां आता है तो जारा को फ्लोर पर मरा हुआ देखता है
और जिसने उसे मारा था वो भी फावड़ा लिए वहीं खड़ा था, पर वो निकोला को कुछ भी नहीं करता क्योंकि निकोला हाना की फैमिली में से नहीं था। घर पर पीटर चुपचाप बैठा हुआ होता है, तभी सनी उसके पास आकर कहती है कि उसका उसे चोट पहुंचाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, उसे अबॉलिशमेंट कर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और तभी अचानक उनके पीछे से आयशा की आत्मा बाहर निकल आती है। हाना जब घर वापस आती है तो देखती है कि पीटर फावड़ा लिए सनी पर हमला कर रहा था और सनी बार बार आयशा को इस कर्स को खत्म करने के लिए कह रही थी। हाना पीटर के पास आकर उसे उस पल के बारे में याद करने को कहती है जब उसने उसे वो फूल दिया था, तो पीटर धीरे धीरे होश में आने लगता है। पर अगले ही सेकंड आयशा पीटर को उन सारी घटनाओं को दिखाती है जिसमें उसे पता चलता है कि वो खुद ही फावड़ा लिए सभी को मार रहा था। सबसे पहले उस रात माटेज को, फिर नायदा को, फिर डैनी को और अंत में जारा को भी। पर हाना उसे समझाने लगती है कि ये उसकी गलती नहीं है, सालों पहले उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया था उसी के हस्बैंड के साथ, तो सारी घटनाओं के लिए वो दोषी है ना कि पीटर। लेकिन पीटर फिर से आयशा के वश में आ जाता है तो हाना और सनी जल्दी से घर से बाहर भागने लगते हैं। हाना कुछ मंत्र पढ़कर एक घेरा बना देती है और उस लॉकेट की मदद से अपनी आत्मा को आयशा की आत्मा के साथ जोड़ने की कोशिश करने लगती है। तभी वहां पीटर फावड़ा लेकर आ जाता है और हाना पर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता था, तो वो सामने खड़ी सनी पर जैसे ही हमला करने के लिए जाता है आयशा अबॉलिशमेंट कर्स को वापस ले लेती है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, पीटर ने सनी को मार डाला था और हाना ने सनी और उसके होने वाले बच्चे को बचाने के लिए पीटर को छुरा घोंप दिया था जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। और अंत में आयशा की आत्मा को ये रियलाइज हो जाता है कि इस कर्ज ने हाना की फैमिली को तो खत्म कर दिया पर उसकी भी फैमिली को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया। अंत में बहुत से लोगों की इस कर्ज के कारण जाने गई थी, पर शायद अबॉलिशमेंट कर्ज इतनी जल्दी खत्म नहीं हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं हर सैटरडे ऐसे ही वीडियोज लाता रहूंगा।